Hello and welcome to this Independence Day special. This great country of ours has produced some remarkable artists. Artists who have lifted our souls. Artists whose, in the case of musicians, their voice transcends all boundaries. And when your voice has entertained and elevated the lives of millions of Indians over eight decades, then you are truly special. You are a legend. On this Independence Day, we are joined by one such legend, the one and only Asha Bhosle. Asha आशा, आशा बहुत बहुत शुक्रिया for joining us, thank you very much. शुरुआत में मैं ये पूछने वाला हूँ कि आप 90 साल की हो रही हैं और आप कॉन्सर्ट करने जा रही हैं, वो भी दो ढाई घंटों की कॉन्सर्ट ये कहां से ये एनर्जी कहां आती है ये क्या है जादू आशा जी में कि आप 90 साल की उम्र में भी कॉन्सर्ट कर रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये मैं ला रही हूँ कि आ रही है वहां से एनर्जी पता नहीं मेरा शायद स्वभाव ही ऐसा है बचपन से मैं ऐसी हूँ जो काम से? हाँ जो काम करना वो करना ही है और बगैर सोचे भी ज्यादा काम करती थी सोच ज़्यादा सोचता है इंसान तो आगे नहीं जाता है वो सोच भी पड़ा रहता है तो बगैर सोचे भी थोड़ा काम कर लेना चाहिए पर कुछ टॉनिक होगा कुछ आवाज में टॉनिक है कुछ जिसमें टॉनिक है कुछ तो है क्योंकि मैं गूगल कर रहा था दुनिया में ऐसा कोई सिंगर मैंने नहीं देखा जो इतने सालों से एक तरह से लोगों के सामने आकर इस तरह के गाने आ, ठीक कह है रहे हैं आप लेकिन कहाँ से शुरुआत करूँ मैं, मैं समझ नहीं आ रही क्योंकि इतना लंबा लाइफ देखा है मैंने और इतने लोग देखे हैं इतने लोगों से मिली हूँ म्यूजिक डायरेक्टर है, हैं डायरेक्टर हैं एक्टर एक्ट्रेसेस सब मतलब कुछ रहा ही नहीं है अस्सी साल में क्योंकि अभी क्योंकि शुरुआत होती है दस साल की उम्र में आप पहला गाना मराठी पिक्चर में करती हैं हाँ। मराठी पिक्चर मैंने माजाबाड़ करके एक पिक्चर थी उसमें एक कोरस गाना मतलब बच्चों का ही गाना था तो वो गाना मुझे कहा के गई गा, गाने के लिए तो मैं दस साल की थी नाइनटीन फोटी थ्री हाँ एच के लोग आए थे और वहाँ वो उनके वैन वगैरह लेके शूटिंग मतलब शूटिंग नहीं रिकॉर्डिंग हुआ था तो वो गाना था कि चला चला नवबाला चला ऐसा गाना आगे। था 1943 में मराठी पिक्चर मराठी पिक्चर थी उसके बाद मैं हम लोग बम्बई आ गए नाना चौक में हम रहते थे तो दीदी का तो शुरू हो गया था काम मैं मैं भी मेरा ही शुरू हुआ था लेकिन मांगने की आदत नहीं काम नहीं मांग सकती हूँ किसी से कुछ मांग नहीं सकती हूँ लेकिन मेरा नसीब अच्छा कि म्यूज़िक डायरेक्टर जब बुलाते थे तो वो कहते थे कि अब गाना गा के ज़रा मत सुनाइए आप हमारा गाना गाइए तो जैसे उन्होंने गाना गाया तो हम उनको जैसे प्रेजेंट वहाँ वापस रिहर्सल में गा दिया तो बोलते थे पास पास पास, पास। तो ऐसे ही मेरे मेरा लाइफ का ऐसा हुआ है क्योंकि 1946 में पहला हिंदी गाना होता है याद है वो गाना 46 में नहीं 45 में हुआ है लेकिन वो रिलीज हुआ है 46 एक साल बाद हाँ रिलीज ऐसे होते थे एक साल के बाद पिक्चर आती थी कौन सा वो गाना था गीता दी और मैं थे हाँ। सावन, आया, सावन, आया। <coughs> 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 सावन आया सावन आया सावन आया सावन आया सावन आया मेरी लाइन थी भैया ला दे मोहे सोना चांदी ऐसा था गीता <laughs> दत्त के साथ 1945 हाँ। 46 में कोरस भी था हाँ। पर मुझे जो आश्चर्य लगता है कि 47 में एक कहानी है ये सच है कि नहीं आप मुझे बताइए आप यहाँ जाती हैं फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी और एक ही दिन में दो मशहूर गायकों को रिजेक्ट किया जाता है एक है आशा भोसले और दूसरे हैं किशोर कुमार क्या ये सच है सच है हम लोग का खेमचंद जी का गाना था अरमान अरमान भरे तेरे लगन ना 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 हो सजन तेरे लिए है ऐसा गाना था तो हम गाना गाने के लिए वैसे जैसे स्टूडियो आजकल हुए हैं एयर कंडीशन और पॉश सब मशीनें वगैरह उस वक्त दो ट्रैक मशीन थे दो ट्रैक में हम लोग गाते थे एक ट्रैक म्यूशल्स के लिए एक ट्रैक सिगर्स के लिए और एक ही माइक होता था और उस पर इधर उधर हम खड़े होकर गाते थे तो गाना शुरू हुआ हम माइक पे गए दोनों माइक पे गए किशोरदा और मैं तो रिकॉर्डिस्ट थे रॉबिन चटर्जी बंगाली इंसान थे तो उन्होंने आके कहा कि बेटा चलबे ना ही मेरी आवाज़ भलो लगे ना हम मैं चम वो तो समझ गया जी वो तो बोलने लगा आशा गड़बड़ है गड़बड़े तो मैंने बोला मैं चुप रही छोटी भी थी मैं और तो गुरुजी को उन्होंने कहा खेमचंद जी से कि आप दूसरे सिंगर लाओ ये तो आवाज़ एक लायक ही नहीं है कहने के अच्छा तो मैंने सुना तो गुरु जी ने कहा हाँ कल करते हैं गाना वगैरह वगैरह तो हम लोग दोनों निकल गए पैदल चलते चलते महालक्ष्मी स्टेशन पहुँचे महालक्ष्मी स्टेशन में जाके रात के दो बजे थे क्योंकि आठ बजे शुरू होता था तो देर लग गई थी आठ बजे जाके हम बकड़े पे बैठ गए दोनों दोनों आशा ये हो बेरे क्या होगा अभी गुस्से में थे दुख भी था उनको मैंने मेरा कुछ नहीं होता दादा आप जैसे गाते हैं आप यलिंग करते हैं आपकी आवाज़ और आपकी जो भाषा पे कंट्रोल है हिंदी बहुत अच्छी है कोई को खंडवा से थे ना वो जी। तो मैंने कहा आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता है हम दोनों भूखे थे हमने बटाटा वडा वटा मंगाया और एक छोटी सी चाय उसमें कट आधा कट बोलते थे वो चाय हमने पी गिरी भी हमारे ऊपर कुछ चाय वाय फिर अपने अपने घर गए थोड़े सालों बाद जब किशोर का हीरो बना किशोर मैं थोड़ा बहुत मेरा भी नाम हो गया था तो हमारा गाना उसी रिकॉर्डिस्ट के पास लेकिन स्टूडियो दूसरा था फिल्म सेंटर वहाँ उन्होंने वो, वो रिकॉर्डिस्ट थे दादा आए और कहा मैंने बहुत देखा मैंने कहा दा, दादा रॉबिंदा बैठे हुए हैं हाँ कि विलन बैठा हुआ है <laughs> विलन बैठा हुआ है मैंने बोला दादा छोड़ दीजिए ये लाइफ की कहानी है कि किशोर दा और आशा ताई को 1947 में एक म्यूजिक रिकॉर्डिस्ट ने रिजेक्ट किया था और वही नंबर वन जोड़ी बन जाती है एक तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मैं जब आपके और किशोर दा के गाने सुनता हूँ क्या बताएं आशा दी क्या एक मैजिक था मैं कुछ गाने आपके सामने रखता हूं फिर आप मुझे बताइए फेवरेट कौन सा है एक मेरे सामने अरे यार मेरी तुम भी हो अजब <laughs> अरे यार मेरी तुम भी हो गजब <laughs> घूंघट गट तो जरा ओढ़ो दैट्स राइट ये गाना हुआ करता था 1965 में तीन देवियां का उसके पहले भी एक गाना था आ, हाल कैसा है जनाब का वो तो उन्हीं का गाना था म्यूजिक उन्हीं का मतलब हाँ और आप दोनों एक तरह से शुरू करते हैं। हाल कैसा है हाल कैसा है जनाब का अरे वाह क्या ख्याल है आपका तुम तो मैं चल गए ओ ओ ओ यूं फिसल गए आ, आ, आ। वाज चलती का नाम गाड़ी Uh, जब मैं ये पिक्चर देखता हूँ uh, तीन 1965, चलती का नाम गाड़ी 1958, uh, आप लगातार उनके साथ गा, गाती रही, uh, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों पर मेरा एक फेवरेट है छोड़ दो हाँ चल जमाना क्या कहेगा उसका एक है वो आह ना आह छोड़ दो आ चल आह जो आह। था तो बर्मन साहब ने मुझे बोला कि मेरे को आह करना है तो हमने ऐसे मतलब आह ऐसे मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं था तो मेरे को एस डी बर्मन बुढ़ मतलब बड़े थे बोले तुम सोचो भोसले तुम्हारा पल्लू पकड़ेगा तू क्या करेगा <laughs> <laughs> तब तो मुझे हंसी आ गई ऐसा तो रोमांत रोमांटिक ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिस जीवन में काम ही करते हैं हम लोग तो वैसा बोले आ, छोड़ आ, चल, जमाना क्या कहेगा अरे वाह जमाना क्या कहेगा हाहा हा, हा, हा अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा छोड़ दो अब जमाना क्या कहेगा ओ साथी चल ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू द ड 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 ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू तू, हाँ तो, हाँ तू। क्योंकि ये जितने भी गाने थे भी हिट हो गए ये तो 1970s में सीता और गीता का गाना है क्या था वो जादू उनकी योडलिंग आपकी आवाज एक परफेक्ट मिक्सचर आ गया कहीं एक परफेक्ट उनके साथ गाने में आपको मुझे लगता है खुशी नजर आती थी हाँ, उनके उनके साथ जब गाना होता था तो ऐसा लगता था चलो बहुत अच्छा त्यौहार है आज हंसी मजाक है कोई सीरियसनेस कुछ नहीं है और बहुत हंसाते थे और बहुत अच्छे आदमी थे बहुत अच्छे आदमी थे मेरे को तो मैंने मैंने उसको मिली हूँ बहुत फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स से मिली हूँ पहली बार तब से और वो मेरे को छोटी बहन जैसा ही वो करते थे वो जब जब मिलते थे आशा मैं जानी तुम्हारी मन की भाषा ऐसे मैंने जानी तुम्हारी मन की भाषा ऐसे करके शुरू हो जाते थे तो बहुत हंसी मजाक से पूरा पूरा गाना ऐसे निकल जाता था और कभी बहुत हंसाते थे अच्छा। तो मैं दादा आवाज़ ख़राब हो रहा है हंस हंस के मैं मैं गा नहीं पा रही हूँ मुझे मैं बोलते थे मैं यही चाहता हूँ ना तू नहीं गाए मैं अच्छा गाऊँ <laughs> मेरा अच्छा हो जाएगा गाना ऐसा बोलते हैं लेकिन आशा अच्छा जी उस रिजेक्शन के बाद धीरे धीरे छोटे कदम लेते हुए क्या ये सही है कि उन अर्ली डेज में शुरुआत में आप शमशाद बेगम को एक तरह से अपनी एक तरह से रोल मॉडल मानती थी दीदी तो थी लता दी तो थी लेकिन ये कहा जाता था कि आशा जी शमशाद बेगम को कॉपी करने की कोशिश कर रही क्या ये सही नहीं है? नहीं, नहीं नहीं अगर मैं कॉपी करती हाँ। तो कैथरीन विलिंटना <laughs> कोई अच्छी मतलब दुनिया की बड़ी सिंगर की कॉपी उनके कॉपी उनकी आवाज़ इतनी तगड़ी थी कि कोई आवाज़ उनके सामने माइक में जाती ही नहीं थी शमशाद बेगम की हाँ बहुत आवाज़ तगड़ी थी तो हम ये करते थे कि हमें जगह मिलती नहीं थी माइक पर एक ही माइक होता था और एक लकड़ी का सामने होता था कुछ हाथ पकड़ने के तो हमको कोशिश करके गाना पड़ता था क्योंकि सब पुरानी औरतें तो जगह ही नहीं मिलती थी तो हम कोशिश करके उनके जितनी बड़ी आवाज़ करने की कोशिश करते थे क्योंकि अगर लाउड ना गाए तो आवाज़ जाएगी नहीं अच्छा, जगह तो, जगी नहीं देते थे। अच्छा उनकी इतनी ताकत थी आवाज़ में एक दो तो गाने उस जमाने के नाइनटीन फिफ्टीज में नया दौर एक पिक्चर आती है और वो एक तरह से आशा जी आपके करियर को एक तरह से बदल देती है ओपी नायर नैयर का म्यूजिक है और एक के बाद एक और उसमें रफी जी के साथ जी तो आप हमने किशोर के बारे में बात की लेकिन रफी जी के साथ भी आपकी वो जो कॉम्बिनेशन थी वो भी बहुत उस जमाने में बहुत आगे चल गई। रफी साहब बहुत नेक आदमी थे अच्छे आदमी थे बहुत कम बोला करते थे और आते समय हर एक से आदाब आदाब करके आते थे चाहे कोई भी हो तो लेकिन ऐसे मजाक करना या मजाक नहीं किसी और का मजाक नहीं कोई क्या बोलते कॉमेडी ये तो कॉमेडियन थे तो कॉमेडी कोई छूती नहीं थी तो हम लोग चुपचाप बैठे रहते थे ज़्यादा बात नहीं करते थे बहुत नहीं बात होती थी यानी किशोर दा के साथ कॉमेडी और रफ़ी साहब के साथ बहुत सीरियस 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 मतलब ठीक लेकिन जब गाना गाते हैं तो मैजिक हो जाता है क्योंकि गाना तो है मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया मा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार और उसके साथ जो है बहुत मुश्किल का एक गाना होता है उसी नए नय, नया दौर पिक्चर में आ, उड़े जब जब ज़ुल्फ़ें हाँ। तेरी होड़े जब जब ज़ुल्फ़ें तेरी होड़े जब जब ज़ुल्फ़ें तेरी हो ओड़े जब जब ज़ुल्फ़ें तेरी कवारियों का दिल मचले अरे वाह पर यही तो है ना कि एक गाना उस तरह से होता है जो जैसे आप कहती हैं एक अलग तरीके का गाना हो जाता है और वही आशा फिर किशोरदा के साथ या जब आर डी बर्मन आपको कैबरे गाने आ, 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 गाने को कहते हैं तो एक अलग कैसे ये वर्सिटैलिटी कहाँ से आती है ये तो अजब है ये तो आपकी सबसे बड़ी मैं समझता हूँ खूबी है क्या हुआ था कि हमारे घर में सब गाने वाले हैं पिताजी से लेके दीदी तो दीदी की आवाज मेरी आवाज मिलती थी अगर मैं कोशिश करती कि दीदी जैसा ही होता था गाना तो एक बार एक आदमी ने बुलाया कि आशा पिक्चर से आशा पिक्चर में हीरोइन का नाम है वही रिकॉर्ड पे था उस, उस जमाने में रिकॉर्ड पे आ, गाने वाले का नाम नहीं आता था तो आर्टिस्ट का नाम आता था तो मुझे समझ वो उन्होंने समझा कि मैं वो हूँ जो दीदी का गाना था उन्होंने कहा आशा का गाना है तो मुझे बुलाया तो मैंने साफ साफ बोला मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ जो जो गाना आपने बोला बोला वो दीदी का गाना है मैं अच्छा अच्छा बोला हमारी गलती हो गई तब मैंने सोचा कि मैं दीदी से अलग करना चाहिए दीदी जैसा अगर गा हूं ऐसा बोला तो दीदी होते हुए मेरे को काम नहीं मिलेगा और मेरा अपना नाम नहीं होगा मेरा अपना नाम होना चाहिए इसलिए मैंने अपना स्टाइल बदलना शुरू कर दिया जो इंग्लिश पिक्चर देखते थे इंग्लिश पिक्चर में लोग कैसे गाते हैं कवाल कैसे गाते हैं गज़ल कैसे गाते हैं हर एक का वॉइस कैसे होता है क्या एक्सप्रेशन होता है ये मैंने सीखना शुरू किया तो एक तरह से दीदी की से एक अलग पहचान बनाने के लिए कितना मुश्किल था क्योंकि देखिए अखबारों में लिखता था राइवलरी एक तरह से कोई राइवलरी कभी थी वही दीदी जो आपको मुझे लगता है स्कूल ले गई और एक बार कहा कि अगर आप आशा जी को स्कूल में नहीं बैठाएंगी तो मैं भी स्कूल में नहीं जाऊंगी ये सही है क्या कहानी हाँ मैं छोटी थी वो तो हाथ पकड़ के मैं भी चली जाती थी उंगली पकड़ के मैं दीदी को छोड़ती नहीं थी और दीदी मुझे नहीं छोड़ती थी बचपन में तो मैं उसके स्कूल में गई तो आठ दिन के बाद मास्टर ने बोला एक एक आठाने में तुम दोनों सीखोगे क्या आठाने होते थे ना उस बहुत बड़े होते थे तो अठाने में दोनों सीखोगे चली जाओ घर उसको छोड़ के आओ तो दीदी रोने लग गई मैं भी रोने लग गई हम रोते रोते घर आए तो बाबा ने कहा क्यों रो रहे, रहे बोला आशा को निकाल दिया मैं भी मैं भी आ गई बोले चलो स्कूल जाना ही नहीं तुम लोग <laughs> घर अच्छा। में घर में पढ़ाएंगे तुम तो कोई कंपटीशन नहीं दोनों एक साथ से आगे बढ़ती गई क्योंकि आप दोनों ने करीब अस्सी अस्सी से ज्यादा 90 और एक एक दो गाने तो अजब के हैं मेरे फेवरेट्स में बताता हूँ चली देखो प्यार के गली कोई रोके ना मुझे मैं चली मैं चली तो जब आप दोनों गाते थे साथ में तो कैसे लगता था एक एक और एक दीदी के साथ जब रिकॉर्डिंग होता था तो सोच जाना था के जाना पड़ता था कि वो क्या करेगी वैसे हम लोगों की आदत है कि गाने को आंदते वक्त पे टर्न कुछ देना कुछ हरकत ट्विस्ट लेना देना। ट्विस्ट देना टर्न कुछ ट्विस्ट कर तो मुझे लगता था कि दीदी क्या करेगी उसको जवाब तो देना चाहिए तो मैं भी ऐसे तैयार से जाती थी तो वो गाना अच्छा होता था क्योंकि ये कंपटीशन है लेकिन हेल्दी हेल्दी कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन थी आप और दीदी में एक तरह से कि कौन ट्विस्ट कैसे देगा क्योंकि एक गाना है ये तो 1969 मैंने कहा पड़ोसन मैं चली मैं चली एक और गाना है उत्सव पिक्चर का 1980 वो तो बहुत बाद में है उत्सव हाँ आ, मन क्यों बहकारे बहका भेकार। बहुत मुश्किल गाना है लेकिन आपने आप दोनों ने एक मैजिक की उस गाने में याद है वो गाना मन क्यों बहकारे बहका आधी रात को वाह वाह बेला महकारी महका आधी रात को किसने बंसी बजाई आधी रात को हो तो किसने बंसी बजाई आधी रात को जिसने पल की हो जिसने पल की चुराई आधी रात को 1969 में एक गाना होता है 1982 में लेकिन वो आवाज़ में जादू वही की वही रहती है दीदी की याद बहुत आती है पिछले okay. साल मैंने आपको कोशिश की थी आपको इंटरव्यू करने की जब ये दीदी हमारे साथ नहीं रही तो आपने कहा नहीं मैं नहीं करूँ कर सकती नहीं। इस समय ठीक है याद बहुत आती है अभी भी बिल्कुल माँ भी थी बड़ी बहन भी थी माँ ने कहा था कि मैं नहीं रहूँगी तो ये तुम्हारी माँ है तो हम माँ के तरह उसको मानते भी थे और बड़ी सिंगर भी थी आर्टिस्ट हूँ मैं तो उसको मैं एज अ आर्टिस्ट बहुत मानती थी तो एक सर से जैसे छा होती है ना माँ बाप की वो जब हट जाती है तो अलग लगता है तो ऐसे लगता है आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की लास्ट मुगल है <laughs> इस पे लोग कह रहे क्या 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 कहना चाहती है? क्या कहना चाहती चाहती है थी आप मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने 80 साल फिल्म लाइन में निकाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में उस उसमें इतने डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर एक्टर एक्ट्रेसेस मतलब जो मैंने सबको देखा है सब आए भी सब मेरे सामने गए भी कोई नए सिंगर आते थे मुंह देखते थे फिर वापस वो चले जाते थे उसी मतलब दो चार साल में ऐसे ऐसे कितने सिंगर आए कितने म्यूज़िक डायरेक्टर आए कितने राइटर आए अच्छे अच्छे राइटर जो मैं सबको जानती थी मैं जानती हूँ अभी भी तो उनको सबको जानने वाला अभी कोई नहीं है अभी आपने किशोर को नहीं देखा मैंने नहीं देखा किशोर दा को मेरी बड़ी रिग्रेट है कि मैं उनको इंटरव्यू नहीं कर पाया ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने आर डी बर्मन को नहीं देखा नौशाद साहब को नहीं देखा मदन मोहन जी को नहीं देखा किसी किसी ने तो दीदी को भी नहीं देखा आपके और पंचमदा आर डी बर्मन के हिट जोड़ी के बारे में बात करते जोड़ी नंबर वन एक तरह से ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन क्या था जादू इस स्पेशल रिलेशनशिप में म्यूज़िक 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 मैं ऐसे बोलती रहती हूँ कि पैसे के लिए गाते हैं फलाना ढिका असल में म्यूज़िक जैसे हम सांस लेते हैं ना इसके बगैर अगर मर जाता इंसान तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी तो गाना संगीत सुनना और गाना गा, खुद गाना ये मेरा पैशन है मेरा जीवन है मेरा तो पंचम का ऐसा था कि वो पागल म्यूज़िक मुझ, डायरेक्टर था पागल उसको हीरा मालूम नहीं है पत्थर है ये हाँ एक रिकॉर्ड है तो उसकी कीमत ज़्यादा है रिकॉर्ड की कीमत ज़्यादा ही ये पत्थर है ऐसा तो ऐसे उसका इसी सोच थी वो रहता भी ऐसे ही था बल बिल्कुल सिंपल रहता था कुछ एक झब्बा पहनना एक पैंट पहन ली और जूते चप्पल बूट पहना ही नहीं उसने जो चप्पल पहनता था लेकिन म्यूज़िक जो था वो उसका म्यूज़िक लाइफ में और चीज़ कोई मायने नहीं रखती थी आगे पचास साल आगे का गाना वो बनाता था मेरी भी ऐसी आदत थी कि मुझे नया नया चाहिए कुछ गाने के लिए नया चाहिए क्योंकि आवाज़ है तो एक ही डम-डम वैसे गाने चलते थे ना डगे के तबले पे पर ढक कर वो गाने मेरे को वो लगता था मैं इंग्लिश पिक्चर देखने के पहले बचपन में इंग्लिश पिक्चरें देखती थी जो कोल्हापुर में थे उस वक्त म्यूज़िकल पिक्चरें बहुत आती थी तो वो मेरे ऊपर वो था कि ये क्या है ये म्यूज़िक क्या है हमारा म्यूज़िक क्लासिकल है हमारा म्यूजिक फिल्म का म्यूजिक बहुत स्लो था म्यूज़िक भी तो मुझे लगता था ये कुछ गड़बड़ है लेकिन पंचम के साथ वो मेरा पूरा हो गया तो ट्रांसफॉर्म कर दिया हाँ, तरह से। कर दिया। और वो जो पागल पगल जो गले में हमारे था गला जितना चलता था उसका सारा उपयोग उसने कर दिया क्योंकि आपने जो उनके साथ गाने गाए हैं वो है तो एक अलग लेवल के हैं तीसरी मंजिल से शुरू करते हैं 1966 में हर गाना हिट होता है आजा, आजा मैं प्यार तेरा है ना <laughs> वो एक तरह से प्यार शुरू हो गया आप दोनों के बीच में वो गा, गाना याद है यहां से नहीं प्यार शुरू हुआ बहुत लेट हुआ अच्छा प्यार लेट हुआ पहले गाने हुए <laughs> गाने हुए वो याद है वो गाना आजा प्यार तेरा अल्लाह इनकार तेरा ओ आजा, 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 आजा। <laughs> अच्छा वो करने में जो मुश्किल जिस तरह से हो रही थी वो एक तरफ है ये जो नए तरीके के गाने थे क्योंकि कैबरे भी आ गया कारवा पिक्चर निकलती है उन्नीस सौ में पिया तू अब तो आ जा उसमें मुझे एक बात बताइए आप कैबरे बोलते हैं हाँ आजकल का हर गाना कैबरे होता है बिल्कुल हर गाना कैबरे होता है तो कैबरे क्यों कहना है तो किस तरह से आप वो गाना देखते डांस सॉन्ग डांस सॉन्ग हेलन पर पर उसमें एक जादू था जादू था क्या था उस गाने में क्योंकि अभी तक भी मैं किसी शादी में जाता हूँ पार्टी में जाता हूँ वो गाना चल ही जाता है लेवल्स हैं वो इस गा, उस गाने की खासियत है एक तरह से और मोनिका का ओ डार्लिंग आर डी भी उसमें आ जाते हैं कहीं ना कहीं ये जोड़ी जो आप कहते हैं शुरू होती है उस तरह के गाने के एक तरह से जैसे आपने कहा एक नई वेस्टर्न म्यूजिक आ जाती है एक वेस्टर्नाइजेशन ऑफ म्यूजिक आ, 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 आ जाती है लेकिन वही आर डी बर्मन के साथ आप गुलजार साहब की जो लिरिक्स है तीनों का जो की जो एक ताकत है वो इजाज़त जैसे फिल्म में आ जाती है 1987 में जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिलता है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है तो देखिए रेंज देखिए ये रेंज कहाँ से आती है वही वेस्टर्न म्यूजिक से उनके, आप, उनके वो भी गाने बहुत अच्छे थे मर जाएगी तर जाएगी डोलियाँ चढ़ जाएगी हाँ दुल्हनिया मर जाएगी हाँ लेकिन लेकिन वो जो गाने ऐसे गाने बहुत सुंदर थे उसके लेकिन चले पिया तू जैसे गाने लेकिन ये गाने जो असल में बहुत सुंदर म्यूजिक था अच्छा म्यूजिक था वो इतने चले नहीं है ही नहीं चलती इसलिए गानों के ऊपर इफेक्ट होता है तो पिक्चरें अगर चल जाती हैं तो पर आपको कौन से गाने पसंद थे जब आप आर डी के साथ इजाजत के गाने करते हैं कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है बहने दो एक ऐसा सोलफुल सॉन्ग एक तरह से होता है एक तरफ और दूसरी तरफ होते हैं ये जो हिट डांस म्यूजिक के गाने जिसमें जिस जैसे पिया तू अब तो आ जा तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग गानों का आपको कौन से पसंद आते थे हर तरह का मुझे, मुझे गाना पसंद है आपने मेरी लाइफ में देखा होगा कि कव्वाली मैंने शुरू की इशकेश करके हम्म <Unresh> उसके बाद हम्म तो कौन सी कविता निगाहें मिलाने को जी चाहता है हाँ, अरे वाह हां निगाहें मिलाने कहा? को जी चाहता है वो तो निगाहें मिलाने को जी चाहता है निगाहें मिलाने को जी चाहता है हो निगाहें फिर आप गती है उमराव जान जैसे पिक्चर में हाँ। दिल चीज क्या है आप मेरी जान ले लीजिए अब वो गजल भी बन जाता है फिर आप महबूबा महबूबा शोले में लेकर खतूबा अली बाबा में कर लेती है खतूबा तो ये जो रेंज आ रहा है ये आपने कॉन्शियसली एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि अब मुझे गजल भी गाने हैं कवाली भी गानी है और एक गाना फोक सॉन्ग था जो मेरे एक दोस्त कहते हैं राहुल श्रीवास्तव ये आशा जी से जरूर कहिए उनके लिए फेवरेट है तीसरी कसम का एक गाना है पान खाए सैया पान खाए सैया हमार सावरी सुरतिया होठ लाल लाल है है मल मल का कुर्ता और उसी टाइम पे आप नमक हलाल जैसे पिक्चर में करती हैं जवानी जाने मन हसीन दिल रूबा है ना <laughs> जैसे सिचुएशन के गाने आते हैं वैसे गाते हैं लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर को लगना चाहिए कि ये गाना कौन गाएगा अगर पिया तू दीदी को देते गाना तो नहीं होता नहीं होता नहीं होता पिया तू गा वो गाएगी नहीं ऐसा गाना जिस वो जिस, जिस तरह हर गाने में खुद को डालना झोंक देना मतलब अपने आप को वो होना चाहिए तभी वो गाना वैसे होता है अगर हम कोई गज़ल गा रहे हैं तो गज़ल के ही जैसे गाना चाहिए वो फिल्म गाना लगना नहीं चाहिए तो कवाली गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि कवाली होना चाहिए न तो अपने आप को उस कैरेक्टर में आप डाल दीजिए जैसे मैं रेखा बन जाती हूँ मैं मधुवाला बन जाती हूँ मैं कुछ भी हेलत बन जाती हूँ हर एक के गाने के स्टाइल का वैसा आ, मुझे बनना पड़ता है पर आप सोचती थी कि जब ये गाना हेलन पर पिक्चराइज हो रहा है तो मैं किस तरह से गाऊंगी ये रेखा पर है किस तरह से गाऊंगी मधुबाला पर है किस ये आप सोचती थी सोचती। जब आप स्टूडियो में बैठती थी पर रियाज भी बहुत हुआ हो, हो, होगा मैंने सुना है कि जब शुरुआत में आप सुबह पांच बजे रोज उठकर रियाज शुरू करती थी क्या उसके पहले भी पांच बजे रोज सुबह क्योंकि आजकल के आर्टिस्ट को यह सोचना चाहिए कि जो मेहनत लगी है जो एक लगन है मेहनत मेहनत तो हर हर मतलब आर्ट में मेहनत होती है कोई सतार बजाते कोई सरोद बजाते आठ आठ घंटे रियाज करते तभी जाके वो उस्ताद कहलाते हैं वैसे गाने वाले के लिए रियाज करना बहुत ज़रूरी है और रियाज ना करे अब तो आवाज़ जैसे हमारा शरीर ढल जाता है वैसे हमारे नसें ढल जाती हैं तो उसको ताकतवर बनाने के लिए आप क्या करते हैं वर्जिश करते हैं कहाँ जाते हैं वो जिम में जाते हैं तो आवाज़ के लिए क्या करना चाहिए अपना वोकल कार्ड इतना छोटा सा है इतना सा है तो उसको तैयार रखने के लिए रियाज करना चाहिए गाने का तो ये जो पाँच बजे उठना था ये हमेशा ज़िंदगी में रहा था इतने सालों में कि सुबह उठकर रियाज करना बिल्कुल अभी तो मैं कभी भी रियाज करती हूँ बारह बजे रात को भी करती हूँ कभी दो बजे भी करती हूँ अभी भी हाँ अभी ज़्यादा करती हूँ तो एक आर्टिस्ट को क्या ये सबसे बड़ी एक तरह से ताकत है प्रेरणा है साधना है कि आप कभी ऐसा नहीं सोचती कि मुझे सब कुछ आता है मैं अब परफेक्ट बन गई हूं। नहीं कभी नहीं संगीत में तो कोई नहीं कह सकता बड़े बड़े उस्ताद नहीं कह सकते कि हम संपूर्ण हैं ये तो इतना बड़ा सागर है कि आप पार कर ही नहीं पा रहे हो करते नहीं सकते कर ही नहीं सकते और ना उसका तल कितना डीप है वो भी नहीं आप जान सकते संगीत बहुत पहली कला है संगीत संगीत हर एक को आता है लेकिन आवाज़ भगवान की देन होती है आवाज़ कोई नहीं ला सकता आप सीख सकते हो गाना लेकिन आवाज़ एक ही होती है जो जिसको भगवान देता है लय सीख सकते हैं आप डांस सीख सकते हैं आवाज़ नहीं सीख सकते एक्सप्रेशन आप अपने डाल सकते हैं और इम्प्रोवाइज गाना करना बड़ी चीज़ होती है तो वो दिमाग भी होना चाहिए अगर आज मैं आपको पूछूं आपने शुरुआत की नौशाद साहब के ज़माने से फिर आप आ गई शंकर जय जे, जयकिशन का जमाना मदन मोहन जी फिर ओ पी नैयर फिर आप आती हैं आर डी एस डी बर्मन भी थे द ग्रेट एस डी बर्मन मदन मोहन मदन मोहन और फिर आप एक नए जनरेशन में आ जाती हैं आप ए आर रहमान साहब के साथ भी करती हैं लगान जैसे पिक्चर रंगीला पिक्चर कोई फर्क नजर आया इन म्यूजिक के आप एडजस्ट कर गई जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स बदलते गए पहले तो हमें बोलने का कोई मतलब ही नहीं था बहुत छोटे थे हम लोग मतलब उम्र से भी छोटे थे और नए नए थे तब तो जैसे म्यूजिक डायरेक्टर बोले वैसे लेकिन उसके बाद हमें समझ आई कि हमको और सजाना है गाने को बिंदी लगानी है कान में डालने हाथ में डालना है कपड़े पहनाने, सब चीज़ हमें करनी है ये जब समझ आया तब हम हमको इसलिए लोग बोलते थे कि आशा जी आप ये गाना देख लीजिए हमारा है लेकिन आप अपने स्टाइल से कर लीजिए इसका मतलब क्या होता है आप अपने स्टाइल से कर लीजिए गाने को तो ये होता है कि हम उसमें बहुत कुछ अपना करते थे एक्सप्रेशन डालना हंसना कभी बात करना कभी कुछ अभी हेलन का गाना है वो <laughs> आपने शादी भी नहीं की आपने प्यार भी नहीं किया <laughs> अभी हंसना ये करना ये 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 सब है गाने को ये आपकी एक तरह से ये आप खुद करती थी हाँ, हमको बताया जाता था कि कर रही था था। नया करो कुछ कुछ नया डायरेक्टर भी साथ देते थे टाइम टाइम है 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 चार बार दो बार है ऐसे करके क्योंकि रहमान साहब में भी वो वही कला एक तरह से मैं देखता हूँ जो आर में थी कि एक वेस्टर्नाइज म्यूजिक भी कर सकते हैं बट कैन ऑल्सो डू भजन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक गाना है उनका लगान का राधा कैसे न, राधा कैसे राधा कैसे वो भी 2001 में 43 में मराठी गाना जो शुरू होता है वो 2000 आप ट्वेंटी सेंचुरी भी पहुंच जाती है और इस सेंचुरी में ब्रेटली के साथ भी रिकॉर्डिंग आप करती है और नए वेस्टर्न दे, के साथ दत्स दत्साह के साथ भी गाना किया दत्त साहब से के साथ <laughs> भी गाना किया तो दिस एक एक जर्नी होती है एक प्रवास है जिंदगी का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे फेवरेट सब मैं बताऊंगा आपको मेरे भी फेवरेट्स हैं क्योंकि मैं सत्तर में आया एक आपका एक गाना था पहले दम मारो दम जीना तमान पर फिर आता है एक गाना 73 74 में जो आज तक सब गाते हैं उसे रीमिक्स किया गया है लेकिन गाना तो वही है चुरा लिया है तुमने चुरा लिया है तुमने जो, जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम अरे ये गाना सुन के मुझे जीनत अमान की याद भी आती है और आपकी याद आती है <laughs> यादों की बारात लेकिन इसी गाने को आज के जमाने में रिमिक्स करके चलाया जाता है आपको कोई प्रॉब्लम होता है या आप कहते हैं अगर ये गाना रिमिक्स भी हो कोई नए गा, गायक भी गाए कोई प्रॉब्लम नहीं जमाना बदल जा रहा है फास्ट बदल रहा है और बदलेगा आप रोक नहीं सकते हो और क्या है कि अगर क्षमता होती म्यूज़िक डायरेक्टर में या गाने वालों में या सब नया कुछ और लाए वो क्षमता नहीं है इसीलिए वो वही म्यूजिक को दोबारा ले रहे हैं उसी म्यूजिक को ले रहे हैं क्योंकि अब झुमका गिरारे आज कितना चल रहा है नई पिक्चर में आया है झुमका गिरारे कितना पुराना गाना है झुमका गिरारे पर इंदिरा गांधी आपको मिली थी और आपको कहा था बरेली जरूर जाइए है।, है ना हाँ। ये सही है ना हाँ। बरेली में आइए आपका झुमका ले जाइए झुमका गिरा रे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका पर ये जो एक तरह से ये गाने जो है ये अनमोल कैसे हो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिक्सटीज में एक सिक्सटीज का गाना है पचास साल बाद भी वो एवरग्रीन गाना कैसे बनाते हैं इसमें आप किसको श्रेय देंगी जब गाना एवरग्रीन बनता है कि पचास साल बाद भी लोग उस गाने पर डांस करना चाहते हैं बोल भी है म्यूजिक भी है और आवाज़ भी है तीनों का हाथ है हर गाने में इतना ही नहीं आर्टिस्ट का भी है फोटोग्राफर अगर अच्छा नहीं हो तो पिक्चर अच्छी नहीं होती है हर एक मिल के एक पिक्चर बनती है हर एक का साथ होना चाहिए तब जाके अच्छी चीज़ बनती है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के आज के ज़माने में ये कहा जाता है कि वो जो गाने बनते हैं वो कुछ ही दिनों तक चलते हैं वो लोग उस उस उन गानों को लोग याद नहीं करते और पुराने गाने सिक्सटी सेवेंटीज के दशक के खास करके लोग याद करते हैं क्या आपको लगता है ये सही है कि कुछ ना कुछ बदल गया है क्या ये ज़माना बदल गया जहाँ सब कुछ इंस्टाग्राम पे होता है फेसबुक पर होता है इसलिए लोग याद नहीं कर पाते जो पुराने गाने थे क्या उनमें ज़्यादा मेहनत हुआ करती थी या केवल ज़माना बदल गया है नहीं मेहनत होती थी ज़्यादा गाना गाने लिखने बैठते थे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ म्यूज़िक डायरेक्टर बोलता था नहीं ये वर्ड नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए बड़े बड़े आ, मतलब राइटर के साथ म्यूज़िक डायरेक्टर लड़ जाते थे कि नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए तो उनकी भी मेहनत थी उनकी भी मेहनत थी और जो बोल आते थे अब देखिए जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नज़र लौट के फिर आएगी दूर तक आपके पीछे मेरी आवाज़ चली जाएगी तो ये लिखा कितना अच्छा है बनाया कितना अच्छा है मैंने गाया तो अच्छा है ही <laughs> <laughs> तो ऐसे गाने लिखते थे रोक लेगी हाँ जब उठोगे मेरी बेताब निगाहों की तरह रोक लेगी डाली मेरी बाहों की तरह क्या कितना सिंपल है और कितना अच्छा है एक और ऐसा गाना है <laughs> आ, रफी साहब के साथ आपने गाया था कश्मीर की कली में और मैं वो बोल सुनकर ही। दीवाना हुआ बादल दीवाना हुआ बादल याद है वो वो दीवाना दीवाना हुआ हुआ बादल बादल बोल बोल जो है दीवाना हुआ बादल। हुआ बादल। उस बो, बोल में ही मैजिक आ जाती है गाने लिखे, लिखे जाते थे अच्छे और क्या होता था कि लोगों की भावना के साथ वो गाने मिल जाते थे कोई दुखी है तो मेरा गाना सुन लिया कोई बहुत खुश है बहुत किसका कुछ गड़बड़ है तो सैड सॉन्ग सुनते थे तो वो उनके दिमाग में बैठ जाते थे सारे गाने आखिर में मैं पर्सनल पूछूंगा जी आपने शादी की 16 साल की उम्र में जी आपने फिर शादी की आरडी सर के साथ पंचमदा के साथ 1980 में यू हैव ऑलवेज लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स ये कहा जाता है आशा जी ने जिंदगी अपनी तरी अपने तरीके से जी है क्या मैं ये सही है कि आपने एक तरह से सोसाइटी को देखकर जिंदगी नहीं ली अपने जो आपको उस समय सही लगा आपने जिंदगी उस तरह से जी क्या सही और क्या गलत कोई औरत अपना घर नहीं छोड़ना चाहती चाहती है छोड़ना मेरे मतलब जो औरत घर जाती है बाल बच्चे जाती है अपना घर जाती है वो नहीं घर छोड़ सकती पर आपने 16 साल की उम्र में घर मेरा घर छोड़ कर... छोड़ा मैंने अपना घर बैठाया शादी की मैंने मेरे को अच्छी लाइफ चाहिए थी शादी की लाइफ नहीं मिली तो ठीक है फिर हम मेहनत करते रहे बच्चों को बड़ा करते रहे बच्चों को बड़ा किया शादियाँ की भगवान की दया से सब ठीक हो गया बच्च... लेकिन असल में मैं क्या हूँ आप आशा भोसले को देखते हैं आशा पर्सन को नहीं देखते हैं आशा पर्सन क्या है वो आपको किसी को पता नहीं है वो क्या चाहती थी उसको क्या मिला और उसके क्या उसके लाइफ में कैसी बात आई क्या हुआ बदनामी से डर के फिर शादी कर ली मोहब्बत कर बैठे बस गाना है ना वो बहुत घबरा के मोहब्बत कर बैठे शादी कर ली बदनामी नहीं होनी चाहिए इसलिए शादी कर ली तो क्या इंसान चाहता है और भगवान उसको क्या देता है ये कभी कोई नहीं जानता मेरे बेटे ने मुझे एक बार मैं बहुत झटका खा गई थी और मेरे कंधे ऐसे हो गए थे और मैं ऐसे चल रही थी तो उसने मुझे कहा आनंद ने कहा कि आई जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तब से अभी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ तब से मैंने तुमको सीधा चलते देखा है तुमने कभी किसी मतलब बात से ये नहीं किया अगर तुम वैसी नहीं रही ना तो मैं घर छोड़ दूँगा तो मैंने कहा नहीं मुझे मरते दम तक ऐसे रहना है और जैसे तंबू खड़ा रहता है उसका जैसे बीच में लकड़ी होती है ना वो गिर जाती है तो तंबू गिर जाता है तो हमेशा डट के चलना है सत्य का साथ देना है झूठ कभी नहीं बोलना है सत्य का साथ देना है झूठ नहीं बोलना है आशा जी सही ये है आप पद्म विभूषण हैं आप गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नंबर वन है मैक्सिमम रिकॉर्डेड सॉन्ग्स आप दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर हैं और आप देश के लेजेंड हैं अभी और मैं, मैं ये भी बता दूं अभी मैं जो शो करने जा रही हूँ हाँ। ये शो भी आनंद ने ही किया हुआ है उसको ये दिखाना है कि मेरी माँ नब्बे साल में तीन घंटे कैसे खड़ी होकर डांस करके गाती है <laughs> उसको दिखाना है ने... और उसकी ये जो इच्छा है ना ये मेरी ताकत है उसकी इच्छा से मेरी ये ताकत बढ़ती है और मैं गाने के लिए अबेहनत करती हूँ मैं ये भी कहूँ कि आशा जी बहुत अच्छा प्रॉन करी बनाती हैं मछली करी बहुत अच्छा बनाती है और बहुत अच्छी कुक है लेकिन इसके साथ साथ कोई आ, कोई और ख्वाहिश कोई और अम्बिशन इतना सब कुछ मिल गया कुछ और लाइफ में जो सोचा नहीं था वो मिल गया है अभी सोच के फ़ायदा नहीं है जो उसको देना है वो देगा हमारा इंटरव्यू खत्म हो रहा है लेकिन ख़त्म होते होते एक गाना है वो मेरे कॉलर ट्यून के साथ जुड़ा हुआ है मेरा कॉलर ट्यून है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हम दोनों पिक्चर हैं 1960 या 61 की पिक्चर है उसी पिक्चर में एक गाना है जिसके साथ एक डुएट करते हैं मैं तो रफ़ी साहब नहीं हूं लेकिन फिर भी करते हैं <laughs> अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं आशा जी सच्चाई ये है दिल अभी भरा नहीं है हम और एक इंटरव्यू एक दिन और करेंगे क्योंकि आपकी आवाज इसी तरह से लोगों को एक अलग दुनिया में ले जाती है आपने जो किया है म्यूजिक प्रेमियों के लिए फिल्म प्रेमियों के लिए देश के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यू आर अ ट्रू भारत रत्न आशा जी थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद फॉर डूइंग दिस दैट वाज ट्रूली मैजिकल इट्स अ जर्नी लाइक नो अदर एज आई सेड म्यूजिक लिवस द सोल होप यू एंजॉयड इट थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय फॉर नाउ